बिल्कुल पसंद नहीं चना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं चना मसाला व्हाटएवर। As I wake up and drink a whole glass of water, I'm not going to show off with a glass wala glass. क्योंकि अब सबको पता है मैं स्टील वाले ग्लास से पीती हूँ, तो क्या शो ऑफ ना करना सुबह सुबह। मम्मा ने आलू पराठे बनाए हैं, ये पराठा eating पराठे इन दिस वीडियो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे झापड़ मत मानो, बट मुझे आलू के पराठे भी नहीं पसंद है। आई एम वेरी स्पेसिफिक इन माई खाने के मामले में, मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ। मैं कहीं कोई रेस्टोरेंट भी जाती ना तो फिर मैं वही जाती हूँ, वही स्पेसिफिक ऑर्डर करती हूँ। कल आउट ऑफ नो वेयर मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट, हमने लोटस बिस्कॉफ खाया थियोब्रोमा का। ओ माय गॉड, टेस्टेड सो शिट, सॉरी बट आई नो थियोब्रोमा इज वेरी लव्ड, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया उसका लोटस बिस्कॉफ। आई मीन सॉरी, पैसा वेस्ट था। इफ यू फॉलो माय शॉर्ट्स थिंगी, आई डू कुक अलॉट, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, बिकॉज आई नो आई एम वेरी वैसे ना वेरी स्पेसिफिक विद माय फूड, क्योंकि मैं जैसा चाहती हूँ वैसे ही बनना चाहिए। एंड मैं मम्मा के हाथ का तो रेयरली खाना खाती हूँ, तो मतलब इसलिए मुझे कोई टेंशन भी नहीं है होस्टल और कहीं शिफ्ट होने में, क्योंकि मुझे खुद को अपने हाथ का खाना बनाना हमेशा पसंद है। अभी तो आई जस्ट वोक अप, आज मैं जल्दी उठ गई हूँ बिकॉज एक पार्सल आया तो उस चक्कर में उठी, वरना मैं 2 बजे से पहले उठ ही नहीं सकती। रात में भी मैं लेट सोती थी, मुझे वीडियो एडिट करना था, वो अब जाकर अपलोड हुआ है थैंक गॉड। डेली अपलोड के चक्कर में मैं घूम भी नहीं पा रही हूँ, बाहर में बाहर घूमने गई तो वो वीडियो डिले हो जाता, मतलब एडिट नहीं कर पाई, मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा। इट्स 12:30 तो आई एम जस्ट गोइंग टू ले ऑन माई बेड एंड स्क्रोल थ्रू माई फोन, क्योंकि मुझे थोड़े काम है, देन आई माइट गोइंग टेक अ शावर। पहले तो मैं सोचती हूँ मॉर्निंग में कुछ नहीं खाती हूँ, बिकॉज ऐसे मैं ना उल्टी सोती हूँ, एकदम से सीधे नहीं सोती हूँ, उल्टा सोती हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है मेरी पूरी बॉडी अपसाइड डाउन हो गई है, मुझे बहुत गंदा सा लगता है। तो सबसे पहले आई ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, बॉइल्ड वाटर मैं ठंड में पीती थी, बट अभी गर्मी में मुझे गर्मी हो गई थी बॉइल्ड वाटर पीने के चक्कर में, मेरी पूरी स्किन पे से मतलब थोड़े थोड़े बम्स आ गए थे एंड वो अजीब सा यू नो गर्मी सी हो गई थी बॉडी में मुझे, हाँ बहुत कुछ हो गया था। एंड माई स्टमक गेट्स अपसेट वेरी क्विकली वेरी इजीली, मैं कुछ भी इतना सा स्पाइसी आई कैन टॉलरेट अलॉट मेरे मुंह में, बट माई स्टमक कैन नॉट, आई हैव टू ड्रिंक दैट जेलोसिल वाला टॉनिक। आई मीन मैंने एकदम ज़्यादा ले लिया था, उससे मेरी तबीयत खराब हुई थी, मुझे पता चला। सो एंड आज आलू के पराठे बने, तो कल तो मैंने खाना खाया था प्रॉपर, कल मैंने 3 चपातीज खाई थी, बोलूँ इतनी कम नहीं, कल मैंने 4 चपातीज खाई थी। मैं मम्मा बोलती किसी को बताना नहीं चाहिए हमारी चपातीज हुई हुई, क्योंकि मेरी फ्रेंड गई थी बोलती देखो आज तो मैंने 4 चपातीज खाई, अगले दिन मेरी तबीयत खराब हुई। सो लेट्स सी, आज तो आलू के पराठे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खाती वैसे तो मैं। पर just took a shower and I said this before but yes my stomach is very sensitive like very very so and वैसे मैं दिन में बहुत ज़्यादा कम movements करती हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है मेरा खाना digest नहीं होता properly, तो मैं बहुत ज़्यादा आराम आराम से खाना खाती हूँ, एकदम ऐसे नहीं breakfast करा तो फटाक से फिर थोड़ी देर बाद lunch भी कर लिया, तो नहीं मैं बहुत time लेकर करती हूँ। मैं exercise इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ, बट मैं ऐसा नहीं स्ट्रेचिंग ये सब कर लेती हूँ थोड़ी बहुत घर में, क्योंकि वरना मेरी बॉडी ना ऐसा लगता है रस्ट जंग लग जाएगी उस पर, तो ऐसा तो नहीं है। बट यस, अभी मैंने शावर लिया एंड आई अवॉइड ईटिंग माई लंच बिफोर टेकिंग अ शावर, क्योंकि फिर वो ना ऐसे तुम्हारे पास खाने की स्मेल आती है, फिर वो नहाते में तो ग्रोस लगता है, नो माय गॉड। ये मैं पहले एक बार करा था, उसके अच्छे मुझे कभी नहीं, पहले 2 दिन से मैं फिर भी कर रही हूँ, पर आज मैं जब पहले नहाऊंगी फिर खाना खाऊंगी, मतलब पहले मैंने ब्रेकफास्ट करा था पर उसके बाद मैंने एकदम प्रॉपरली एक ग्लास पानी पिया एंड देन फिर मैं नहाने गई। तो अभी भी आई एम गोइंग टू ईट माई लंच, अभी बहुत टाइम है, बहुत लेट हो चुकी हूँ लंच के लिए, लंच का क्या इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया है, बट नेवर माइंड। अभी मैं क्या करूँगी, लंच कितने बजे करूँगी, मैं 4 बजे करूँगी, फिर 5 बजे तक शिट मैं लंच नहीं कर पाया, बट आलू बड़ा वॉज वेरी फिलिंग है ना, एंड एज एन इंदौरी मैंने पोहा जलेबी अपना ब्रेकफास्ट होना चाहिए, प्राउड इंदौरी मेरा पोहा जलेबी होना चाहिए ब्रेकफास्ट, तो वो था एक्चुअली, पर मैंने मुझे पोहा ठीक है आई डोंट हेट मी बट आई डोंट लाइक पोहा इंदौर का, क्योंकि वो मीठा लगता है और तुम स्पाइसी चीज़ को मीठा बना रहे हो, सॉरी मेरा पता है स्वीट टूथ बहुत है, मतलब मुझे एक वैसे मीठा चाहिए, मीठा मीठा क्या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लग गई है, मैं क्या ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा से स्वीट खाने का मन करता है, तो मुझे क्या पता नहीं कि अचानक से नहीं के मामले में जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ, मैं जैसे स्पाइसी खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मसाले वसाले चाहिए, दैट्स सो अनहेल्दी आई नो, आई वेरी अनहेल्दी, मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट में कौन आलू बड़ा खाता है, एकदम से तेल का तला हुआ, यू नो अभी थोड़े दिन पहले मुझे स्टमक इन्फेक्शन भी हुआ था, तो वही रीज़न था कि हम लोग इतना वहाँ से केदारनाथ जाए, वहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा कम स्पाइसी मिलता है, यहाँ पर अचानक से मैंने अपनी फैमिली के साथ गंगा पूजन के लिए आई वेंट टू माई होम टाउन,
तो वहाँ पे बहुत उन लोगों ने सबका खाना रखा था भाई, वैसे यू नो तो वो बाहर से खाना बनवाए थे उन्होंने केटरिंग वालों से, एंड उनका खाना इतना स्पाइसी, एंड मैं वो खाते से डायरेक्ट सो गया, आई हेट दिस थिंग कि खाना खाते डायरेक्ट सो जाना, जो पेट की 12 बजती है ना, आई कैन नॉट टेल यू, बहुत गंदी वाली बजती है। तो उस वजह से मेरी वो स्टमक में कुछ तो हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब रही थी मेरा। ओह माय गॉड, माय स्किन लुक सो ग्लोई, लुक एट दैट ग्लो गाइस। ड्रिंक चाय समटाइम्स, आज मैंने बहुत मंदा चाय पीने का, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे आलसी आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ। अपनी सारी रेसिपी शेयर करती हूँ, यू शुड चेक आउट माई शॉर्ट्स, और आई विल मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर यू ऑल, और आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर चेक इट आउट, मेरी सारी रेसिपीज मेरे शॉर्ट्स पर है। हाँ, तो मैं वो डोसा बनाती हूँ, एंड अब मैं इतनी परफेक्ट हो गई ना, टेस्ट सो गुड, बट नेवर अगेन आई एम गोइंग टू ऐड कर्ड इन इट, इतना लास्ट टाइम कर्ड इतना खट्टा और इतना गंदा, मुझे एकदम से वोमिट, मतलब एकदम ऐसे मुझे प्यूकिंग सेंसेशन हुई थी, मैंने नो नेवर डूइंग दैट अगेन। तो इस वजह से अब से मैं कर्ड नहीं डालूंगी। अब मैं मेरे लेट नाइट स्नैक्स है ये, मिड नाइट क्रेविंग्स यू नो, एक तो ये डोसा है, देन पोटैटोज मोस्टली, अभी तो खाने में, अभी लंच में आज आलू पराठा, मतलब ब्रेकफास्ट की चीज़ें पर मैं लंच में खा रही हूँ, एंड साथ में सब्जी भी है चने की, विच आई डोंट लाइक, मैं आलू पराठा ऐसे ही खा लूँगी एंड विदाउट दही, क्योंकि मुझे दही से भी आजकल वैसे बहुत अजीब सा होने लग गया है, क्योंकि मैं दही बीच में बहुत ज़्यादा खाती थी मेरी स्टमक के वजह से, तो मुझे उसे चिड़ मच गई, ज़्यादा खाना कोई चीज़ तो उससे भी हो जाता है। एंड देन इवनिंग में कभी भी स्नैक्स मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, बहुत बार ऐसे मैं बाहर से ऑर्डर करती हूँ, खाना बहुत गंदी आदत है, जब मेरे पास पैसे रहते तब, आज मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, एंड आई एम सेविंग इट फॉर फ्रेंडशिप डे। सो डिनर के लिए ऑफ कोर्स यू ऑल नो दिस, राइस, और दिन में राइस नहीं बनाता, आज आलू पराठा नहीं होता, मैं डेफिनेटली राइस बनाती, आई लव राइस, आई कैन नॉट टेल यू गाइस हाउ मच आई लव राइस, खा नहीं सकती हूँ, मतलब मैं दिन रात दिन में 10 बार भी चावल खा सकती हूँ मेरे हाथ के, एंड किसी के भी मैं ऐसे कोई दिक्कत, मम्मा भी बहुत टेस्टी बनाती है, आई लव राइस सो मच, वैसे प्लेन राइस में जब मैं डायरेक्ट खा लूँ मुझे बहुत पसंद है। सो बाय फॉर नाउ, एंड मिलते हैं लंच के साथ।